हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे जो हमारे घर पड़े रहते हैं, अक्सर जो आइसक्रीम मिठाइयों वगैरह के होते हैं, उनसे हम कुछ आज बहुत ही अच्छे अच्छे DIYs बनाएंगे जो घर में बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं फर्स्ट DIY। इसके लिए मैंने इस तरह के 3 डब्बे लिए हैं, ये चॉकलेट के डब्बे होते हैं। तो इसके लिए मैं बनाऊँगी एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। इसके लिए सबसे पहले कपड़े पर इस तरह से इसके साइज़ का नीचे वाले एरिया का ऐसे कपड़े में कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे रख के देखेंगे कि इस पर फिट हो रहा है कि नहीं, और साइड वाले इस बॉक्स के मेज़रमेंट के हिसाब से ही मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है। साइड में भी लगा के देख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल फिट परफेक्ट कट हुआ है। तो अब इसको और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से मैं मशीन की हेल्प से स्टिच कर दूँगी और एक बॉक्स के ही शेप का ऐसे एक कपड़े का बॉक्स तैयार कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया और ये बॉक्स का एक कवर जैसा तैयार हो गया है कुछ। तो इस तरह की मैं 3 तैयार करूँगी। ऊपर जो ये खाली बचा है, इसको मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ऐसे पेस्ट कर दूँगी। तो मुझे 3 तैयार करने हैं क्योंकि मेरे पास तरह से 3 डब्बे हैं ये। तो मैं इसको बनाने के लिए ऐसे साइड में हैंग करने के लिए जो पट्टियाँ तैयार करूँगी, मैं उसका मेज़रमेंट ले लूँगी कितनी लंबी लंबी इसके लिए कपड़े की ही पट्टियाँ चाहिए होंगी। तो इस तरह से मेज़र करके मैंने इसमें ये पट्टियाँ बना के लगा ली थी, जो मैंने नीचे से ऐसे पास करके ऊपर तक लगाई हैं। इनकी हेल्प से ही मैं इनको हैंग करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़बूत बनने वाला है और इसमें हम किसी भी तरह के सामान रख सकते हैं। मैंने बेसिकली ये बनाया है, जैसे कि हमारे घर में चार्जर्स पड़े रहते हैं, फ़ोन के रिमोट वगैरह पड़े रहते हैं, ये सब, तो उनको हम रखने के लिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र मुझे चाहिए था, वो मैंने बनाया है। और देखिए, इसको हैंग करने के बाद इसमें आप कितना ही सामान बहुत ही ईजिली रख सकते हैं। इसके जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह भी इसमें रख सकते हैं या क्राफ्टिंग वगैरह का सामान भी इसमें ईजिली रख सकते हैं। इससे हमारा वेस्ट जो ये प्लास्टिक के डब्बे भी यूज़ हो जाएंगे और जो वेस्ट कपड़े पड़े रहते हैं उनको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब दूसरे DIY की तरफ। अब इसमें दूसरे वाले DIY में इस तरह का एक प्लास्टिक का बॉक्स लूँगी। ये थोड़ा टूटा हुआ है तो इसी को मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले इसका जो ये ऊपर वाला बॉक्स का कवर है, इसको मैं उतार के इस तरह से इसके ऊपर जो लगा हुआ है इस पेपर, उसको मैं हटा लूँगी। जितना भी हटेगा, ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं वॉलपेपर लगाने वाली हूँ। तो पीछे से ये कटा हुआ, तो मैं इस पर टेप से उसको पेस्ट कर दिया। आप देखिए, इस तरह का मैंने वॉलपेपर मंगाया था ये उस टाइम पहले, मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, पर मुझे क्विक DIY बनाना था तो मैंने इस तरह से ये वॉलपेपर का यूज़ किया है। इसके अलग अलग पैचेस मेरे पास कटे हुए रखे थे, तो मैंने उनको ही रैंडमली इस तरह से पेस्ट कर दिया और एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर लिया है। देखिए, इस तरह से ये कुछ दिखने वाला है। अब इसको बंद करके अच्छे से टाइटली बंद कर देंगे, या तो फेविक ग्लू की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर वाले पार्ट में यहाँ से इस तरह से कट लगा लूँगी, क्योंकि इसमें ही मुझे सामान रखने के लिए ऐसे होल चाहिए। और पीछे मैं एक होल कर लूँगी जिससे इसको हैंग करना बहुत ही आसान हो जाए। किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से इसमें होल कर लेंगे इस तरह से। अब होल करने के बाद इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। इसमें चाहे तो किचन के यूटेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं, नहीं तो फ्लावर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी डेली में जो यूज़ होने वाली क्राफ्टिंग वगैरह की चीज़ें हैं वो भी रख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत मजबूत है। आइए चलते हैं अब हमारे थर्ड DIY की तरफ। अब ये बनाऊंगी मैं इस तरह के मिठाई के डब्बे से। ये बहुत ही छोटा मिठाई का डब्बा है और किसी काम में यूज़ भी नहीं आता है, तो मैंने सोचा इससे भी एक मैं हैंगिंग प्लांटर भी बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके पीछे वाले पार्ट में ऐसे ऊपर एक कट लगा लिया है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना, वाइट तो ये है ही, इसमें कलर वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें मैं यूज़ करूँगी थर्माकोल बॉल्स का, जिनको मैं बस ऐसे रैंडमली यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी और एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर लूंगी। तो देखिए, थर्माकोल बॉल के लगने के बाद ही कुछ इस तरह से लगेगा। बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा एक लुक क्रिएट हो जाता है और बहुत ही 5 मिनट में बनने वाला ये DIY है।
इसको आप बनाकर लगा सकते हैं। इस तरह के दो तीन पैटर्न एक साथ बनाकर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ डीआईवाई जो होने वाला है, वो होने वाला है इस तरह के चॉकलेट बॉक्स का। जो नीचे का डब्बा तो मैंने यूज़ कर लिया था ऑर्गेनाइज़र में, अब उसके ऊपर का कवर रह गया था, उसको भी मैं यूज़ करूँगी। मेरे पास इस तरह के ये थर्माकोल का ये एक रोल सा पड़ा हुआ था, शायद किसी खिलौने में आया था ये, इसको मैं इस पर इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। साइड में मैंने फेविकॉल लगा के इस तरह से पिस्ता शेल्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इस पर पिस्ता शेल से थोड़ा सा इसमें मैंने डिज़ाइन बना दिया था, जो कि बस इतना ही इनफ है और ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं। उससे ही बहुत अच्छा सा हैंगिंग एक प्लांटर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनके तैयार है। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं।